हाय गाइस, मैं हुसैन उलक। आज हम एलईडी को किस तरीके से रिपेयर किया जा सकता है वो देखेंगे, और साथ में ये देखेंगे कि इस एलईडी में कौन कौन से फॉल्ट आते हैं और उनके फॉल्ट आने का कारण क्या क्या होता है। साथ में हम इस एलईडी को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जो एलईडीज होती है वो रिपेयरेबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। तो इस डिफ्यूज़र को इस बॉडी से ग्लू के जरिए फिक्स किया जाता है, तो इसे निकालने में प्रॉब्लम आती है। आप इसे निकालने के लिए कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा ताकत लगाने पे जो ग्लू है वो टूटने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करने पे जो हमारी एलईडी का डिफ्यूज़र है वो निकल गया है। तो यहाँ पे जो एलईडी है वो हीट सिंक पे माउंटेड है। इन एलईडीज में जनरली फॉल्ट नहीं आता है, जो फॉल्ट आता है वो इसके ड्राइवर में आता है जो कि इस हीट सिंक के नीचे लगा हुआ है। तो इसे निकालने के लिए मुझे इन दो स्क्रूज को निकालना होगा, साथ में इसे डिसऑल्डर करना पड़ेगा। तो मैंने इसे खोलने की पूरी कोशिश की कि इसे इस तरीके से खोलूं कि वापस इसे लगा सकूं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो सका। मुझे इसे तोड़ना पड़ा इसे खोलने के लिए। फिर भी हम इसे और ज़्यादा खोल के देखेंगे, इसके सर्किट बोर्ड को निकाल के देखेंगे कि जो एलईडी बल्ब है वो किस तरीके से काम करती है। जो एलईडी से जो लाइट निकलती है बहुत ही ज़्यादा शार्प रहती है और वो फैली हुई नहीं होती है, तो ये डिफ्यूज़र उसे हर डायरेक्शन में फैला देता है। उसके बाद यहाँ पर एक एलईडी चिप होती है जिस पर बहुत सारी एलईडी लगी होती है। इन्हें सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, लेकिन जो अक्सर एलईडीज जो लगी होती है वो सीरीज में लगी होती है। और जो इस चिप का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो होता है 80 से लेके 75 तक। तो अब हम इसके सर्किट बोर्ड को निकाल के देखेंगे और देखेंगे कि इस पर कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए हैं और जो फॉल्ट आया है वो कौन से कंपोनेंट पर आया है, क्योंकि जो एलईडी है काम नहीं कर रही है। तो इस सर्किट बोर्ड को निकालने के लिए हमें इस दो कनेक्टिंग पॉइंट को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वायर है बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए इसे तोड़े बिना इस सर्किट बोर्ड को नहीं निकाला जा सकता है। तो इसे तोड़ने के लिए आप किसी प्लायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही आप इन दो पॉइंट को निकालते हैं हमारा जो सर्किट बोर्ड है ये बाहर आ जाता है, और यहाँ एक जो रजिस्टर लगा हुआ था वो भी निकल चुका है। असल में जो ये रजिस्टर है, यहाँ पे दो रजिस्टर लगाए गए हैं, दोनों ही फ्यूजेबल रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर पहले ही इस सर्किट बोर्ड से अलग हो चुका था तो इसका मतलब है इस रजिस्टर को लगा के मैं इसे दोबारा इस्तेमाल में ला सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है उसका ये सर्किट बोर्ड है, यहाँ पे एक की जगह दो फ्यूजेबल रजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है, लाइन और न्यूट्रल दोनों पर ही, और साथ में एक फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ है डिफरेंशियल मोड इंटरफेरेंस फिल्टर के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक MOV लगा हुआ है, इस MOV को हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। इसे VDR भी कहा जाता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इसका इस्तेमाल हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। जब सर्किट पे रेटेड से ज़्यादा वोल्टेज आते हैं तो ये जो है VDR है या MOV है ये शॉर्ट हो जाता है, और शॉर्ट होने के कारण हमारा जो न्यूट्रल और फेस है वो शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होके जो फ्यूजेबल रजिस्टर होता है उसे ओपन कर देता है, इससे जो हमारा आगे का सर्किट होता है वो सेफ रहता है, उस पर कोई भी खराबी नहीं आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर है। तो आप देख सकते हैं कि लंबे समय तक चलने पे जो सर्किट बोर्ड है वो ऊपर से काला हो गया है। ऐसा इसलिए होता है कि जो सर्किट बोर्ड है वो भी हीट पैदा करता है। लंबे समय तक चलने पे जो बोर्ड है वो धीरे धीरे काला हो जाता है, जिसके कारण सर्किट बोर्ड है वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेकेंडरी कैपेसिटर है जो स्मूदिंग का काम करता है इस आउटपुट को। साथ में कुछ एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर और एक ड्राइवर
आईसी लगी हुई है। असल में जो ये एलईडी का सर्किट होता है बक कन्वर्टर की तरह काम करता है। इसे देख के आपको लग सकता है कि ये ट्रांसफार्मर है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं है, ये सिर्फ एक इंडक्टर है। जब चिप इसे ऑपरेट करती है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, फिर वो जब कोलैप्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका पावर एलईडी पे जाता है। तो सर्किट एक बक कन्वर्टर या फिर बक रेगुलेटर की तरह काम करता है। अगर आप एलईडी को देखते हैं कि वो ब्लिंक कर रही है, तो उसका मतलब है कि जो आउटपुट में स्मूथिंग कैपेसिटर है वो ख़राब हो चुका है। अगर एलईडी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ऑपरेटिंग चिप होती है वो ख़राब हो जाती है, या रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो होती है इस रिवर्स आईसी के ख़राब होने की। तो इस एलईडी सर्किट में बस इतना ही फॉल्ट था कि इसका जो एक रेजिस्टर है वो निकला हुआ था, तो मैंने उसे फिर से सॉल्डर कर लिया है। अभी से मैं चेक करके देखूँगा कि ये चलती है या नहीं चलती है। तो आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है वो काम कर रही है। मैं इसे लंबे समय तक चालू नहीं रख सकता क्योंकि इस पर कोई हीट सिंक नहीं लगा हुआ है। बिना हीट सिंक के जो एलईडी है वो ख़राब हो सकती है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं इसे दोबारा नहीं लगा सकता इसके एलईडी होल्डर पे, क्योंकि पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। लेकिन मैं इस एलईडी का इस्तेमाल फिर से कर सकता हूँ, इस पर एक हीट सिंक लगा के, साथ में इसका एक कवर बना के मैं इसका इस्तेमाल फिर से कर सकता हूँ। तो मैं हूँ जैनुलक, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।